बहुत से लोगों को शायद ये पता होगा कि जेलीफिश एक प्रकार की मछली होती है, पर मैं आपको बता दूं कि वास्तव में यह जेलीफिश एक प्रकार की मछली नहीं होती है। किसी भी जीव को मछली होने के लिए उसे एक कशेरुकी होना चाहिए और गलफड़ों से सांस लेना चाहिए, लेकिन जेलीफिश में तो गलफड़े होते ही नहीं है और न ही रीढ़ की हड्डी होती है, और इसके साथ अपनी पतली खाल के माध्यम से पानी से ऑक्सीजन को अवशोषित करती है। तो चले जानते हैं जेलीफिश के बारे में कुछ ऐसे रहस्य जो आपको शायद ही पता होंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जेलीफिश एक समुद्री जीव है जो सबसे जहरीले समुद्री जीवों में से एक है। इनका नाम जेली जैसे दिखने वाले मेसोगेलिया सामग्री से आता है जिससे यह जीव बने होते हैं। यह जेलीफिश समुद्री जीव इनवर्टेब्रेट्स हैं, यानी इनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती है। वह चिकने जेली जैसे शरीर से बने होते हैं और छोटे चुभने वाले कोशिकाओं से लैस होते हैं। इसके साथ ही यह जेलीफिश कई अलग अलग आकार, साइज और रंगों में भी आती है। यह आपको दुनिया के हर महासागर में मिल जाएगी। अभी तक महासागरों में लगभग 2000 जेलीफिश प्रजातियां पाई गई है, लेकिन अभी भी जेलीफिश की 3 लाख से अधिक अंडे की प्रजातियां हो सकती है। वैसे तो आपको पता ही होगा कि जेलीफिश सबसे जहरीले समुद्री जीवों में से एक है, परंतु इनमें से एक जेलीफिश की प्रजाति बेहद खतरनाक होती है और यह ऑस्ट्रेलिया और इंडो पैसिफिक समुद्र में मिलती है। इस बेहद सबसे खतरनाक जेलीफिश की प्रजाति का आकार चौकोर डिब्बे जैसे दिखाई देता है, इसलिए इन्हें बॉक्स जेलीफिश कहा जाता है, क्योंकि इनके टेक्टिकल्स में जहरीले डर्ट होते हैं जो एक वयस्क व्यक्ति को चंद मिनटों में मार सकते हैं या फिर दिल का दौरा दिला सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हो कि जेलीफिश का 90-95% शरीर जल से बना होता है। उनका ऊपरी छतरी जैसा आकार अधिकांश मात्र में मेसोगेलिया नामक जेली से सामग्री से बना होता है, और इसके साथ ही जेलीफिश में मस्तिष्क या फिर केंद्रीय तंत्रिका प्रणाली मौजूद नहीं होती है। लेकिन कुछ जेलीफिश ऐसे होते हैं जिसमें नेत्रक भी होते हैं जो सिर्फ प्रकाश का पता लगा सकते हैं और जल की सतह पर धूप के प्रकाश के प्रति प्रतिक्रिया करते हुए ऊपर की ओर और नीचे की दिशा को समझ सकते हैं। लेकिन कुछ प्रजातियां सक्रिय रूप से अधिकांश समय तैर सकती है जबकि अन्य ज्यादातर समय निष्क्रिय रहती है। अब जानते हैं कि जेलीफिश क्या क्या चीजें खाती है, और इसमें छोटी जेलीफिश जैसे सूक्ष्म जीव, छोटी मछली और लार्वा जैसी चीजें खाते हैं, और बड़ी जेलीफिश मछली, झींगा, केकड़े जैसे बड़े समुद्री जीव और कभी कभी अन्य प्रकार की जेलीफिश को भी खा जाती है। यह जेलीफिश मांसाहारी होते हुए भी शिकार नहीं करते, यह शिकार को अपने आसपास तैरने की प्रतीक्षा करते हैं जो फिर उनके जाल में फंस जाते हैं। अब जानते हैं जेलीफिश के रोचक तथ्य जिसको जानना हर व्यक्ति के लिए जरूरी होता है। जेलीफिश यह सबसे जहरीले समुद्री जीवों में से एक है और उनमें से कुछ प्रजातियां बेहद खतरनाक होती है जिसे इंसान को हमेशा दूर रहना चाहिए, और इसके साथ ही यह जीव समुद्र और महासागरों में पाए जाते हैं, और इसके साथ ही जेलीफिश के पास दिमाग नहीं होता है और हड्डियां, दिल, फेफड़े भी नहीं होते हैं, और यह जीव अपनी पतली खाल से सांस लेते हैं, और इनका शरीर 90-95% पानी से बना होता है, इसलिए ज्यादातर जेलीफिश पारदर्शी होती है, और इसके साथ ही जेलीफिश के समूह को स्मैच, स्वाम और ब्लूम कहा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हो कि जेलीफिश को अगर बीच में से काट दिया जाए तो वह फिर से अपने शरीर को रीजनरेट कर सकती है, यानी दो अलग अलग जीव बन सकते हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि जेलीफिश की लगभग 25 प्रजातियां खाई भी जा सकती है। लेकिन सबसे खास बात यह होती है कि कुछ जेलीफिश की प्रजातियां ऐसे भी होती है जो रात में चमकती भी है। यह समुद्री जीव जेलीफिश सबसे पुराने जीवों में से एक है, यानी ये 500-700 मिलियन वर्षों के बीच में भी मौजूद थे। लेकिन आपको यह जानकर झटका लगेगा कि एक बॉक्स जेलीफिश की लगभग 60 लोगों की जान ले सकती है। बॉक्स जेलीफिश सबसे खतरनाक जीवों में से एक माने जाते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि महासागरों में लगभग 2000 से अधिक ज्ञात जेलीफिशों की प्रजातियां पाई जाती है, जिनमें कुछ की नाम मैं आपको बता देता हूँ, जैसे बॉक्स जेलीफिश, अटॉल जेलीफिश, इसके साथ ही क्रिस्टल जेलीफिश, इसके साथ ही ब्लैक सी जेलीफिश, और इसके साथ ही फ्राइड एग जेलीफिश, इसके साथ ही इमोर्टल जेलीफिश, और इसके साथ ही फ्लावर हैट जेलीफिश, पिंक कॉम्ब जेलीफिश, सी वेब जेलीफिश, और इसके साथ डीप रेड जेलीफिश, मून जेलीफिश, और भी कई खास प्रजातियां पाई जाती है। और इसके साथ ही जेलीफिश का एक साइंटिफिक नाम होता है जिसको हम साइफोजोआ कहते हैं। और मैंने आपको बता ही दिया कि जेलीफिश एक मछली का प्रकार नहीं होता है, क्योंकि मछली की संरचना उसकी रीढ़ की हड्डी के आसपास केंद्रित होती है और पानी में रहने के लिए गलफड़ा का उपयोग करती है, जबकि जेलीफिश बिना हड्डियों का जीव है।
तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इस वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू सो मच। जय हिंद।